सामरी उस्ताद है, सामरी उस्ताद, उस्ताद उस्ताद, उस्ताद उठो। क्या हो गया उस्ताद? ये देख, ये तो वही है। तो अब क्या करना है? अब क्या, देख लिया मैंने, हटाए से परे कर। और तुम तीनों की बात मारी गई है, जब तुम्हें नजर आ गया था, ये तुमने खुद देख लिया था, तो इधर क्यों आए हो? क्या लेने आए हो इधर? तो फिर क्या करें, अब तो पुलिस भी हमारे पीछे पड़ जाएगी। हाँ, पुलिस के ढूंढने से पहले ना तुम खुद ही उसके सामने पेश हो जाओ। है? तो क्या कह रहा है? अपने घरों में जाके छुप जाओ, और अब तुम्हारी मार भी मारते हैं ना, तो अपने घरों से बाहर ना निकलना, दबाओ जाओ, निकल चल रहे। तुम लोग जाओ अब, प्लीज आराम करो। नहीं मॉम, काफी टाइम बाद हमें ऐसा सुकून मिल रहा है। We missed you a lot. I missed you guys too. मॉम? हाँ जी। ज़ारा आंटी आएंगी आपसे मिलने। बड़ी तारीफ करी थी आपकी, कह रही थी आपने उनकी सोच बदली है। तुम भी अब माहीन को टफ टाइम ना देना, याद रखना कि उसने किन हालात में तुम्हारा साथ दिया है। जी मैम, मैं नहीं बोलूंगा, शी इज बीन ग्रेट। वरीद कहाँ गुम है? आई डोंट नो। मुझे नहीं पता मॉम, एना और वलीद की लड़ाई हुई थी। Is everything okay? सब ठीक है, आप भी परेशान हैं, अभी इस बात को क्यों डिस्कस करें, जाने दें। मुझे ठीक नहीं लग रहा, तुम अपसेट लग रही हो मुझे। Oh, please, ना अभी। अच्छा मैं सोने जा रही हूँ, आप ना सोचे इस बारे में ज्यादा। एना, जब बताना होगा बता देगी, क्यों नहीं करेगा। अच्छा चलो उठो, मॉम को रेस्ट करने दो, फिक्र नहीं करना, आप आराम से रेस्ट करें, ठीक है? मॉम वो उन्होंने बताया सुबह कितने बजे जाना? कॉल की थी मैंने, कह रहे थे 10 बजे आए, तुम साथ चलोगे? जी मैं साथ चलूंगा। असल मुकाबला तो अब शुरू होगा तस्कीन। पता नहीं क्या कर रही है तुम्हारी सास वलीद, पहले शौहर को छोड़ दिया और अब केस रीओपन कर दिया। बेटा तुमने बात की बख्तैन से? कहो भाई, खानदानी लोगों का ये तरीका है, अब लोग हमसे तरह तरह की बातें करेंगे। पता नहीं किन लोगों से हमारा रिश्ता जुड़ गया, मैं तो उन्हें बड़ा खानदानी समझती थी। पता नहीं कैसी औरत है ये तस्कीन आंटी, अकड़ के खत्म ही नहीं होती। सही तो किया गजनफर अंकल ने कि शादी कर ली। तुम बताओ बख्तैन को कि ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, अगर उसने हमसे रिश्ता रखना है तो उसे अपने फादर के घर में रहना होगा, उसकी माँ से हम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। I will talk to her. और मैं उसे साफ साफ कह दूंगा कि अगर वो मेरे साथ रिश्ता रखना चाहती है तो उसे वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल सही, ऐसे ही बात करना। That's fine. सर आ गए? जी आ गए। आज ऑफिशियली केस रीओपन करवाने आई हूँ मैं। I'm okay. ये मेरी अपनी तसल्ली के लिए मॉम।
उठे सर। वसाम सब सर प्लीज। थैंक यू सर। वो नया केस आया है, उस हिस्से में हम बात कर रहे थे, तो हम ये चाह रहे थे कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ये शायब तस्कीन अपने बेटे के साथ बैक इन है। तशरीफ रखें जी। करमदाद तुम जाओ। नहीं करमदाद यही रहेगा जी। मैडम सर मैं केस की एफआईआर रीओपन करवाने आई, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे इस दफा बगैर किसी प्रेशर में आए हुए। जी जी आप फिक्र ना करें, मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द आपके मुजरमों को आपके सामने लाकर खड़ा कर दें, और मैं इसके लिए एक खास टीम सेलेक्ट करूंगा। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिस प्लीज मैं चाहती हूँ कि मेरे केस को करम दाद लीड करें। मैडम ये क्या कह रही हैं आप, करम दाद इस केस को लीड करेगा? जी मैडम शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है, करम दाद ने कभी ऐसे केसेस सॉल्व नहीं किए, बस ये थोड़ा सा जज्बाती है। इस केस को जज्बे से ही जीता जा सकता है। ओके ठीक है, ये केस रमदाद लीड करेगा और आज के बाद मैं रोज़ाना इस ऑफिस में आकर बैठूंगा जब तक ये केस मुकम्मल नहीं हो जाता। ठीक है मैडम जी। थैंक यू सर। थैंक यू। आप चाय वगैरह कुछ? नहीं शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज करमदार अपना जज्बा कम मत होने देना। जी मैडम इंशाल्लाह। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने करमदाद को जिंदा कर दिया। मैं तो यहाँ खाली खोली भटकता रहता था, कभी इस अफसर का काम कभी उस अफसर की जी हुजूरी, लेकिन आपने जिंदगी दी है। बस उन चारों लड़कों को पकड़ के मुझे भी जिंदा कर दो करमदार, मैं भी खाली रो लिए ही घूम रही हूँ। इंशाल्लाह वो लड़के बहुत जल्द पकड़े जाएंगे मैडम। इंशाल्लाह। डोंट वरी। थैंक यू मैडम। हाँ मुझे पता है मैडम, तस्कीन का केस मुझे मिल गया है। सच में आपको मिल गया केस? मैडम ने साहब से खुद रिक्वेस्ट की है कि इस केस को मैं लीड करूं। क्या तुझे भी दूसरे लोगों की तरह लग रहा है कि इस केस को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा? और नहीं नहीं सर जी, मैं तो आपको खुश देखकर खुश हूं, क्यों नहीं करेंगे आप इस केस को सॉल्व? बिल्कुल करेंगे, और मैं हूं ना आपके साथ। मुझे इस केस में तेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा मैं मदद। आपकी नहीं करूंगा तो फिर किसकी मदद करूंगा? फिक्र ही नहीं करे, मैं आपके साथ हूँ। केस मिलने की खुशी में आज मैं ना कढ़ाई खिलाऊंगा तुम्हें। ओ माँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तुझे भी खिलाऊंगा कढ़ाई। हैं ये देख। वो ये क्या है? देख तो सही।
ये मैंने स्केच बनवाए, ये देखें, ये वही है। वही। वो मैं ये आपको व्हाट्सएप कर दूंगा और अब हमें केस को सॉल्व करने में इससे बहुत मदद मिलेगी। मेरे खास आदमी ने मुझे इनका क्यों दिया है। ये जहन्नुम में भी छुपे हैं, आपको इनको ढूंढना होगा। इंशाल्लाह जरूर ढूंढूंगा। मैं कल जाऊंगा कस्बे और उस शख्स को तलाश करने की कोशिश करूंगा। आई ट्रस्ट यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेव। थैंक यू नाफिस। We'll make it, inshallah. You will. सजा दिलवाएंगे, ढूंढेंगे। क्या हो गया अम्मा? ओ यतीम, क्या हुआ? ओ यतीम पुत्र, मनु सांप ने मार दिया। क्या अपने लगी मार गई मां? क्या जल्दी जा रहे। एक मिनट अम्मा, एक मिनट। हाथ थे कहां पे? पता मर गई। नहीं अम्मा, कुछ नहीं होता अम्मा। ओ ये बस की कर रहे अम्मा? कपड़ा बांध रहा हूँ, इससे ये होगा कि जहर नहीं फैलेगा। और रुमालों से जहर नहीं रुकते। अकीम साहब को बुला। मैं बुलाता हूँ, तो एक मिनट लेट जाए। मेरी सोनी है, लेट जा उधर, लेट 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 जा। ओकी सोची पै गए, जा यतीम है, मस्कीन भी हो जाएगा। जा रहा हूं। लो भाई, ले दवाई लगा के पट्टी तो कर दी है भाई। अब दुआ करना सुबह तक इसको आराम आ जाए, वरना ये शहर लेके जानी पड़ेगी। यतीम साहब इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ओ भाई जी, बड़ा जहरीला सांप था, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश कर दी है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। जीनी तौर पर तैयार रही, अल्लाह खैर करेगा। कि सब बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। माँ कुछ नहीं, ये तीन बतरे। माँ कुछ नहीं होगा, तू बस। मैं मर जाती। नहीं माँ कुछ नहीं होगा, क्या होगा? पुत्र तू कल्ला रह जाएगा ना। नहीं तुझे कुछ भी नहीं होगा माँ। मेरी सोनी अम्मा, बड़ी तकलीफ है मुझे। चुप कर, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हकीम साहब कह के गए। अरे वही है तो वो तेरी खैर। Yeah, भाई सही हो गया। वाह भाई फीके वाह, तू तो बड़े ही होशियार निकला है। तेरी तो पंजों की ओ में और सर कढ़ाई में। ओ भाई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरी माँ को जो है ना, शहर के किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। ओ भाई, मैंने कोशिश करके देख ली है,
कोई फायदा नहीं हुआ। मगर ओ भाई मगर मगर लगा रहा, मर जाएगी ये, और जल्दी से इसको शहर लेके चल। बट मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कैसे शहर लेके जाऊं किंग साहब? ओ भाई किसी दोस्त से जाके मांग ले, जवान आदमी है तू, जब ये मर जाएगी ना तो फिर तू पूरे का पूरा। नहीं 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 किंग साहब ऐसा ना कहे। अम्मा मैं अभी जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, फिर तुम्हें शहर लेके जाते, तुम्हें घबराना नहीं है। साथ, साथ, साथ। सामरी साद को देखा? नहीं 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 देखा। सामरी साद भाई सामरी को देखा है? साद सामरी साद देख भाई, तेरा केस तो खुल गया है, तू खैर मना अपनी। तू ये बता मैं करूं क्या? ओ तेरा मामला बड़ा औखा हो गया है। सामरी साद, सामरी साद। ओए अब ये कहां से टपक पड़ा? वो कितनी दफा तुझे बताया? वो अपने चेलों को धंधे के उसूल बता। यार बताया था मैंने इन मरजानों को, पता नहीं क्या लेने आया ये। सामरी साद। ओए तू किधर जा रहा है, रुक तो सही। अच्छा रहा है। और रुक, तुझे क्या केड़ी मौत पै गई है तेनू? सामरी साद अम्मा को सांप ने डस लिया और तो उसका जहर फैल जाएगा। कोई मरी तो नहीं है ना? अगर शहर में लेके गया तो मर जाएगी। ओ, मैंने तुझे कहा था अगर माँ भी मर जाए तब भी हम जानों ने नहीं मिलना। ओ, सच में मर जाएगी, मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मैं उसे शहर लेकर जाऊँ। ओ तू पागल है, शहर लेकर जाके तो सबसे पहले तू पकड़ा जाएगा। वो सच में मर जाएगी, नहीं लेके गया तो लाजमी मर जाएगी। तू तेरी एक माँ के पीछे मैं हम चारों को पकड़वा दूँ? कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, ना पैसे दफाओ साथ, दफा हो जा, भाग जा। भाई वो तुझे कहा था ना जल्दी आ जाना, आज कर दी ना फिर देर। देख पूरे जिस्म में जहर फैल गया इसके, अच्छी नहीं बच सकी। फीके तेरी तो डिमांड ही बढ़ गई है, ये पुलिस वाला बाबू 100% तुझे ही ढूंढ रहा है। अब फीका हर किसी के हाथ तो आने से विराज है बाबू जी, थोड़ा सा इंतजार तो आपको करना ही पड़ेगा मेरा। और वैसे भी अभी तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैंने होना किस तरफ। अच्छा ये बेगम साहबा भी थोड़ा और रोना खा ले, जैसे मुझे मेरी बीवी के पीछे रोल दिया।
कम इन। मेडिसिन ली आपने? हाँ ले ली। पक्का? हाँ पक्का। अब बच्ची थोड़ी हूँ कि मैं मेडिसिन अवॉइड करूंगी। मॉम ये क्या है? जो कुछ हुआ उसके बारे में दिख रही हूँ। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है मगर किस लिए मॉम? कुछ यंगस्टर्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनमें से किसी एक ने मुझे ईमेल के थ्रू अप्रोच किया है। वो चाहते हैं कि मैं अपने बारे में लिखूं ताकि वो लोग जो डर जाते हैं और प्रेशर में आके खामोश हो जाते हैं वो बोले। मुझे उनका एक कॉज अच्छा लगा, मैंने हामी भर ली। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। जरूर ये किसी गर्ल्स ग्रुप का प्लेटफॉर्म होगा राइट? नहीं, दे आर ऑल बॉयज। रियली? मैं भी बहुत खुश हूँ कि हमारी सोसाइटी में हमारे जैसे कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे मर्द हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, जैसे करमदाद, जैसे ये लड़का। नाम क्या है इसका? मुझे नहीं पता, बस तो ईमेल में चेक करें ना, उसमें पता चल जाएगा। उसके इनिशियल्स हैं SM, बस उसके आगे मुझे नहीं पता। अच्छा तुम जाओ आराम करो, लेट मी फिनिश दिस। क्या हुआ? हाँ कुछ नहीं, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। आगर अहमदाद केस की क्या पेशरफ्त है? सर मिसेस तस्कीन ने तस्वीर के थ्रू मुलजमान की शनाख्त कर ली है। करमदाद ये तो पुरानी बात है, तुम पहले दिन से यही बात कर रहे हो, नई क्या इम्प्रूवमेंट है इसमें? सर वारदात से कुछ फासले पे कस्बे पे मुझे एक बंदा मिला था जिसने मुझे कहा है कि वो इन लड़कों को पहचानता है। फिर? मैं कस्बे में गया था लेकिन वो मुझे मिला नहीं। आगे? मैं दोबारा जाऊंगा लेकिन मुझे यकीन है सर वो मिल जाएगा क्योंकि उसने मुझे खुद रोक कर कहा था कि वो इन लड़कों को पहचानता है। देखो करमदाद, तस्कीन मलिक ने बेशक कह दिया हो कि केस जज्बे से सॉल्व होते हैं लेकिन हकीकत में केस इंटेलिजेंस और एफिशिएंसी से सॉल्व किए जाते हैं। ऐसा ना हो कि तस्कीन मलिक का तुम्हारे ऊपर भरोसा करना महंगा पड़ जाए। नहीं सर, मैं इस केस को सॉल्व करूंगा। मैं कल दोबारा जाऊंगा कस्बे में, उस बंदे को ढूंढ लूंगा सर मैं। ठीक है। क्या हुआ सर जी? यार मुझे ना वहाँ कस्बे के पास एक बंदा मिला था, वो कह रहा था कि वो उन चारों मुलजिमान को जानता है। अच्छा घर पे वकूफ तो नहीं बना रहे हैं आपको सर जी? गदा लगता हूँ मैं तुझे शक्ल से। है सॉरी सर। अब फिर क्या हुआ? मैं उसको ढूंढने गया, बहुत देर इंतजार किया, मिला नहीं मुझे। कहाँ मिला था? क्या वो कहाँ मिला था? हेलो जी, जी जी एक घंटे के अंदर पहुंचो क्लब में, जरूरी बात करनी है। खो गई आंसू के बस बीज बो गई, गम की सुन सुन के लोरियां खुली आंखें थी पर वो सो गई। जाने क
कैसे गिरहा लगी, दे रहे हैं ताने सभी, नाराज है हर दिशा। साथ थे जो तारे कभी, छुप गए हैं सारे। अब हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। वो न जाने कौन सा बंदा है जो तुम लोगों को जानता है। वो बड़ी मुश्किल हो रही है कोई खबर निकाल कर लाने की। हाँ, सारा कुछ इसी में लग जाता है। पैसे नहीं है मेरे पास। चल तू पैसे निकाल। ये अच्छा है, अब तू बात बात में मुझसे पैसे मांगता है। वो तू क्या चाहता है, वो तेरे पीछे मैं मुफ्त में खड़ा रहूं। देख शरीफे, साझेदारी में ऐसे नहीं होता। तेरा जो हिस्सा था वो मैं तुझे दे चुका हूँ, अब तू ये क्या मांग रहा है मुझसे। वही जो तू देख रहा है, लगता है तू भूल गया है, तेरा केस भूल गया है। और तू भूल गया है कि तू भी हमारी मदद करता है पैसों की लालच में। अगर हम पकड़े गए तो मैं भी अपनी जुबान खोल दूंगा और सबको पता चल जाएगा कि तू हमसे कितना माल खाता रहा है और हमारे साथ कितना ताबून करता रहा है। वो पुलिस वाले को धमकी देता है, और जब भी तेरे जैसे वारदातिये पकड़े जाते हैं ना, तो वो किसी ना किसी तरह से पुलिस वाले को फंसाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। चल तू भी कर ले, मैं भी देख लूंगा कौन तेरे यकीन करता है और कौन मेरा। तू भी यही और मैं भी यही। वो बंदा मिले ना मिले, पर तुम लोगों तक मैं पूरे डिपार्टमेंट को ले आऊंगा। यार देख, तू दोस्त के साथ ऐसा तो नहीं करेगा ना। ओ मैं तेरी दोस्ती पर थूकू भी नहीं। अब तू उल्टी गिनती गिनना शुरू कर। चल रुक रुक रुक, बात तो सुन, रुक बात सुन ना। बोलो क्या बात करनी है तुमने। मैं तुमसे बात तो नहीं करना चाहता था, जब तक तुम एक्सक्यूज ना कर लो। लेकिन क्या करें, इश्यू ही कुछ ऐसा उठा है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी मॉम को? हाँ, एक डिवोर्स काफी नहीं थी जब केस भी रिओपन कर दिया है। वही तभी तो हमें बहुत कुछ करना है। Are you mad? बिल्कुल भी नहीं। देखो बख्तैन, मेरी फैमिली को ये डिसीजन एक्सेप्ट नहीं है, और मेरे डैड ने तो साफ साफ कह दिया है मुझे कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरे डैड के पास वापस जाना पड़ेगा, वरना आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मुसीबत ही खत्म कर देती हूँ। ये लो, हो गई तुम्हारी मुश्किल आसान। तुम और ये लो तुम्हारा स्पेशल एडिशन बैग, और बाकी जो भी गिफ्ट्स थे वो ड्राइवर ने तुम्हारी गाड़ी में रखवा दिया। इससे पहले तुम मांगो मैंने सोचा बता दो। तुम आर यू श्योर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, मुझसे विड्रॉ करोगी? हाँ। हाउ डेयर यू, तुम बलि शाह को रिजेक्ट कर रही हो? तुम होती कौन हो मुझे रिजेक्ट करने वाली? हाँ, आप लोग रिलैक्स करें, एक्चुअली पहली बार रिजेक्ट हुआ है ना, तो सदमे में बेचारा। रुको, अंगूठी तो लेके जाओ। ये बेइज्जती है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब इतनी हिम्मत दिखाई दी है तो फिर आंसू कैसे? आप यहाँ पे? मैंने क्लब में आपके और आपके एक्स फियांस से हुई।
एक्स कह सकता हूँ। खैर, मैंने सब सुना और आपको फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया। वेरी नाइस, आप काफ़ी ईमानदारी से अपनी हरकतें कबूल कर रहे हैं। वह तो दुश्मनी में भी ईमानदारी का फायदा, और ये तो फिर सॉरी आपसे पूछे बगैर बैठिए, क्योंकि जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो बात खड़े होकर नहीं की जा सकती। क्या कहना चाहते हैं? I heard about your mom's story. She's a very brave woman. Thank you. और आप बिल्कुल अपनी मॉम पर गई। मेरे लिए ऑनर की बात है, मगर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे? क्योंकि वली जैसे लड़के को ठुकराने वाली लड़की कोई मामूली लड़की नहीं हो सकती। बहुत हिम्मत दिखाई आपने। कुछ तो बात है आपका जिसका अंदाजा मैंने पहले ही दिन में लगा लिया था। एनीवेज, यही कहना चाहता था मैं। चलता, एंजॉय योर कॉफी, बाय। क्या करूं क्या करूं, दिमाग ही बंद हो गया है, समझ कुछ नहीं आ रही। एक काम करता हूं, अपना वो पुराना फॉर्मूला आजमाता हूं। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। लो भाई, मस्त ही हल हो गया। अरे अपना नाजमा, अरे बात सुनो, अरे काम मर गई है, जल्दी आ। हाँ जी, ओ सर आप बच्चे को सुना। हाँ ठीक है, मुझे ये बता के वो तेरी बेगम साहबा कहाँ रहती है, और वही जिसने मलक जनफर से तलाक ले ली थी? हाँ हाँ, अम्मा ने बताया था। अच्छा, तो मसले ही हल हो गया। तो एक काम कर, उसके घर जा और उसको बोल कि वो जिनको ढूंढ रही है ना, उसका पता है मुझे। मतलब? अब मतलब से तुझे क्या लेना था? जो कह रहा हूँ वो जाके कर, उसको बोल कि अगर अपने मुजरिमों का पता चाहती है तो मुझे 2 लाख दे दे, बता दूंगा। तो ऐसे ही बता दो, किसी का भला हो जाएगा। अरे तुझसे पूछा किसी ने भला हो जाएगा कि बच्ची? जा तफाओ, और जो कह रहा हूँ वो घर जाके। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बोला तूने? नहीं जाएगी तू? नहीं जाएगी तू? अपने खसम की मदद करते हुए मौत पड़ती है तुझे? और तेरे तो अगले पिछले भी जाएंगे। नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ, क्या रीजन है, इसलिए कि मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो और अपने लिए फैसला अच्छा कर सकती हो। लेकिन आर यू श्योर? क्योंकि तुम बहुत जल्द बलीद से अटैच हो गई थी। मां, शुरू शुरू में ही सीम लेकर रियली नाइस का है, पर जैसे जैसे मैं उसमें इन्वॉल्व होने लगी, आई रियलाइज कि उसकी पर्सनालिटी उसकी सोच से बहुत मुख्तलिफ है। मतलब इतनी छोटी सोच, मैं सिर्फ उसके साथ तभी रह सकती हूँ अगर मैं डमी बन के रहूँ तो फीलिंगलेस। वो कहे रो तो रो दूँ, वो कहे हंसूँ तो हंस के दिखा दूँ मैं उसको। और कभी कभी ऑनेस्टली मुझे समझ में भी नहीं आता था कि वो चाहता क्या है मुझसे। मैंने कभी बताया नहीं, बट पब्लिकली ना उसने बहुत बार मुझसे मिसबिहेव किया है। रियली? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे इस गुस्से की वजह से नहीं बताया मैंने कुमैल। प्लीज कुमैल, बात पूरी करने दो उसे। कौन? He's just so insensitive. कोई बकवास किया उसने? कुमार, डैड को बताया? बता देगा खुद ही, बहुत इंस्पायर्ड है ना वो डैड से। खैर सच कहूँ तो
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों से ना बोझ उतर गया। कसम से मॉम, सोचा था बहुत तकलीफ होगी पर इतनी नहीं हुई। गुड। मॉम को तो तभी अंदाजा हो गया था उसकी पर्सनालिटी का जब वो नाजमा वाला इंसिडेंट हुआ था और तब तुम्हारी आंखों पर वनीत के नाम की पट्टी बंधी हुई थी। अच्छा बस कर दो, अब गुजर गया वो वाकया, अब तो पट्टी उतर गई है ना उसकी, अब तो सब ठीक है। यू लुकिंग सो नाइस। या उसको पता होना चाहिए क्या खोया उसने। Of course, has lost. Has lost. चलो, अगर if you're fine with it, you're happy, तो celebrate करते हैं। Order करते हैं कुछ ice cream? कर लो जो तुम्हारा मूड है, मैं खा लूंगी। I don't mind. सही है तो order करो, मेरे लिए चॉकलेट चिप मंगवाना। मेरे लिए कुछ भी मंगवा ले। Sure. कैसी हो मारा, कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्लाह का बहुत शुक्र है। गजन पर तो ठीक है ना आपके साथ? जी बिल्कुल ठीक है। वो मेरा मतलब है तस्कीन। तस्कीन का अब क्या जिक्र, वो अब इस घर में नहीं है। तो क्या मामला बिल्कुल ही खत्म? चलो जो हुआ अच्छा हुआ, वैसे भी गजन पर कब तक उसका साथ देता। बेगम साहबा, वलीद साहब के घर से ड्राइवर आया है कुछ सामान लेकर। कैसा सामान? ड्राइवर कह रहा है कि उन्होंने मंगनी का सामान वापस किया। ये क्या बकवास है? टेंशन, आराम से आए देखते हैं। Saad Mingal has requested to follow you. Saad Mingal?